लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मैं अपाहिज जरूर हूं मगर लाचार नहीं हूं। अगर तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है तो इस घर को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो कल हम दोनों की राहें अलग अलग भी हो सकती हैं। मेरे लिए झूठ बोला? हमने कहां झूठ बोला? सीता भैया को बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। मौका तो आने दीजिए भौजी, हम क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। पर मुझे हम दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, आप यहाँ इंतजार कीजिए। सुनिए, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। भाई वाह, कयामत ढा रही है आज आप। और ये नीली साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। हम तो सिर्फ ये बात सोच रहे हैं कि इस घर में ये बात कौन बिलीव करेगा कि आप ये सब जबरदस्ती कर रही हैं। क्यों, बहुत खुशी हो रही है? नहीं, खुशी तो नहीं हो रही। जब से मैंने बाबूजी से सुना है कि विवेक ने आपको धमकी दी, हम तो बहुत परेशान हैं तब से। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार विवेक मुझे देव और राधिका की वजह से धमकी दे चुका है। तो नहीं, समय समय पर उसमें ये अकड़ आ कहां से जाती है? खैर, कहीं से भी आती हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? आपने आगे क्या सोचा है वो बताइए। आगे? आगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज भले ही मुझे इस फंक्शन में मुस्कुराहट के साथ शामिल होना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं राधिका को उसकी असली औकात दिखाई दूंगी। एनी, तुम बताओ कि आज के फंक्शन में शामिल होने के लिए मैं खुश तो लग रही हूं? हाँ बिल्कुल। तो चलो, लेट द ड्रामा बिगिन। लेट्स गो। सुनिए, आप चलिए, मैं आता हूं। हमारे साथ। वैसे ये समारोह किस लिए रखा गया वैशाली जी? ये समारोह हमारी छोटी बहू के पूरी तरह से ठीक होने की खुशी में रखा गया है। वैसे आज उसे राजपुरोहिताइन के पद से भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे मठ के पुरोहित है ना, वो आ रहे हैं उसे आशीर्वाद देने। आप बैठिए ना, बैठिए ना। मैं जरा दूसरे में। माँ जी, ये तो बताइए देवर राधिका कहाँ है? ये पार्टी उन्हीं के लिए दी गई है ना? जी हाँ, हमारी छोटी बहू आज सुबह से पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी, बस अभी ऊपर गई है, तैयार होकर दोनों आ रहे हैं। ओके, आप बैठिए। तो थैंक यू।
सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। भौजी नमस्ते। नमस्ते भौजी, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। चाय नाश्ता वगैरह लिए? थोड़ा इत्र छिड़क देते हैं आपके ऊपर। नमस्ते, ठीक से ढंग से खाइएगा एकदम पेट भर के। भौजी पिंटू कैसा है? दादी माँ देख रही बिरजू की आंखों की चमक, जानती है क्यों है? क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि अगला नंबर अब इसी का है। भाई क्यों ना हो, कब तक यूं छड़ा का छड़ा रहेगा? मैं तो कहती हूँ इसके लिए दुल्हन ढूंढना शुरू कर दो। पहले इससे तो पूछ ले कि इसे कैसी दुल्हनिया चाहिए। हाँ ये भी सही। क्यों भैया बिरजू, इधर आओ। कोई छवि है तुम्हारे मन में, श्री राम की सीता जैसी, या फिर भगवान विष्णु की लक्ष्मी जैसी, या शंकर जी की पार्वती जैसी? भैया आप भी। अरे शर्मा क्यों रहा है, बोलना। भैया हमें ना कोई ऐसी बहुरिया चाहिए जिसमें इन तीनों के गुण हो। एकदम राधिका भौजी जैसी। भैया कहीं आप लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। मोहन तो हम मर गए। कंकर हमारा वाला शरबत लेके आओ इधर। हाँ भौजी ये पार्टी में से खींच लिया, ऐसे क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग का भूसा निकालने के लिए खींचे हैं पार्टी में से। अब हमने क्या कर दिया भौजी? अरे अर्जुन वक्त के साथ बदलना तुमको कब आएगा? कुछ समझे नहीं भौजी हम। समझे नहीं हमारे बुर्बक, मिलाने का औकात अब इस घर में दो कौड़ी का नहीं रह गया है। इस घर में अब कोई राज रानी है तो वो है छोटी बहू यानी कि राधिका। अगर किसी की पूछ होगी तो राधिका की पूछ होगी। हाँ हाँ क्या? इसलिए आज के बाद मिलानी का पल्लू छोड़ो और राधिका पर अपना जादू चलाओ और उसकी नजर में ऐसे जेठ बनो जैसे उसको लगे कि तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो। हाँ अरे बेटा औरत के जज्बात से खेलना एक ऐसी कला होती है जिसमें हर मर्द को माहिर होना चाहिए, समझ गए ना? खूब कहे भाजी। हाँ बिल्कुल समझ गए भाजी। बिल्कुल समझ गए। हर बार यही कहते हो और आखिरी में मट्टी पलित करवा देते हो तुम। नहीं समझ गए भाजी। चलो अब महफिल से ज्यादा देर दूर रहना ठीक नहीं होता, चलो चलिए। रानी तुम्हारी देवरानी तो बहुत सुंदर है। जीतर सही में दादी माँ, ये तो बहुत ही अच्छी सरप्राइज है। मेरी छोटी बहू के लिए भी एक सरप्राइज है। क्या दादी माँ? वो देखो मेरी छोटी बहू के लिए भी एक सरप्राइज है। क्या दादी माँ? वो देखो
कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। तुझे काला टीका लगा दूं, सबसे पहले तो माँ की ही नजर लगती है ना। जीते रहो बेटा। ठीक है ठीक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मोको भी तो से कछु जानने का है। मठ से पुजारी जी और बहन जी आ गए हैं। अब छोटी बहू को राजपुरोहितइन का पद प्रदान करने का शुभ कार्य कर लिया जाए। और इसके साथ ही छोटी बहू स अधिकार श्रीमती राधिका देव राजपुरोहित कहलाई। अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ बेटा देव। तुम अपना हाथ राधिका के हाथ के नीचे रखो। इस पुस्तिका में राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के कर्तव्य अधिकार एवं नियम लिखे गए हैं। अब यही नियम तुम्हारे जीवन की गति एवं दिशा निर्धारित करेंगे। राजपुरोहिताइन का पद ग्रहण करने के साथ ही तुम्हें राजपुरोहित जितना अधिकार मिल गया है, राजपुरोहित की अनुपस्थिति में तुम्हें निर्णय भी लेने होंगे और न्याय भी करना होगा। राजपुरोहिताइन होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें समस्त मंदिर मठ एवं आश्रम का उत्तरदायित्व लेना होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दुर्बल महसूस ना करो, बल्कि शक्ति की ऐसी मिसाल बनो जिसे आने वाली पीढ़ी अपना आदर्श माने। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। समारोह तो हो गया, जश्न होगा या नहीं? अरे हाँ दादी माँ, खुशियाँ बिना नाच गाने के एकदम अधूरी सी लगती है, जैसे दूध बिना चीनी का। मेरे देव और छोटी बहू की खुशी आधी अधूरी रह जाए, ऐसा क्या मैं होने दे सकती? भाई नाच गाना सब कुछ होगा। तुझे पता है तुम दोनों की खुशियों में शामिल होने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे? कहाँ से दादी माँ? मुंबई से। मुंबई से तो हम किसी को नहीं जानते। जानते हो, जरा याद करो। मुंबई के नाम से तो बस एक ही लड़की याद आती है, विशाखा। कभी इस घर की बहू हुआ करती थी, फिर मुंबई भाग गई। चली गई। बड़ी बहू, मुंबई में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, हमारे दोस्त भी रहते हैं। ओहो दादी माँ, अब ज्यादा सस्पेंस मत रखिए, बता भी दीजिए। बता दो, वो देखो। Let's go.
बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर जावा। लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा जाने क्या हो छूटे तेरी बल्ला हंसा माने क्यों तारीफे करता है तू हमको सब कुछ जाने हो मेरे दिल की दुआ ये कहे जोड़ी सलामत रहे सजन जी हाँ सजन जी बीते सारा जीवन साथ में बोले चूड़िया